फ्रीवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रिकुनसी डिस्ट्रीब्यूशन हैव मनी एडिटिव एडवानटेजेस अदर देन कैलकुलेटिंग डिस्क्रिप्टिव द हेल्प अज फाइनडिंग द पर्सनटाइल एंड पर्सनटाइल रैंक्स फ्राम द डेटा रिमेंबर कि जब हम फ्रीकुंसी डिस्ट्रब्यूशन बनाते हैं हम स्कोर लेते हैं और फिर उनकी फ्रिक्वेंसीज लेते हैं दैट इंफॉर्मेशन लोन इज नॉट का इन अ वेरी इन आ फॉर रिच इंफॉर्मेशन मसला अगर किसी का स्कोर सेवेंटी फाइव है उसके आगे फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है तो मे बी मुझे एग्जैक्टली Uh, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देगी सिंगल स्कोर अलोन यू नो नॉट गिव यू मच इन्फॉर्मेशन अनटिल और अनलेस मुझे पता चले फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लास uh, में स्टैट्स के टेस्ट के ऊपर सेवेंटी फाइव का स्कोर है तो मैं इस तरह कंक्लूड नहीं कर सकती कि सेवेंटी फाइव कैसा स्कोर है मे बी आपका स्कोर हाइस्ट हो क्लास में और बाकी पूरी क्लास आपसे नीचे स्कोर कर रही हो और ये भी हो सकता है कि सेवेंटी आपके बॉटम में आ रहा हो और बाकी सारी क्लास एटी से ऊपर मार्क्स ले रही हो सो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें आइडिया हो जाता है कि हम पर्सेंटाइल और पर्सेंटाइल रैंक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या एटलीस्ट एक आइडिया कर सकते हैं या उनको फर्दर फार्मूला uh, के तहत कैलकुलेट भी कर सकते हैं पर्सेंटाइल uh, रैंक क्या होता है पर्सेंटाइल रैंक इट्स नॉट अ परसेंटेज मेनी स्टूडेंट्स मिक्स इट अप विद अ परसेंटेज परसेंटाइल रैंक ऑफ हम किसी स्कोर का पर्सेंटाइल रैंक निकालते हैं जो हमें uh, उस स्टूडेंट की एग्जैक्ट uh, स्टैंडिंग उस डेटा के अंदर बताता है जिसका मतलब है कि आपसे कितने लोग क्लास में या उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे कितने लोग नीचे हैं और कितने लोग आपसे ऊपर uh, उस स्केल के ऊपर उस डेटा के अंदर हैं सो परसेंटाइल रैंक ऑफ अ पर्टिकुलर स्कोर इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल इन द डिस्ट्रीब्यूशन विद द स्कोर इक्वल टू और लेस देन पर्टिकुलर वैल्यू मसन अगर आपका फर्ज करें परसेंटाइल uh, रैंक है सिक्सटी थ्री परसेंटाइल आपका uh, है तो इसका मतलब है कि आपसे सिक्सटी थ्री परसेंट लोग जो हैं क्लास में आपसे नीचे हैं और बाकी लोग आपसे ऊपर स्कोर कर रहे हैं और परसेंटाइल क्या होता है कि अ स्कोर इज डिफाइंड बाई इट्स परसेंटाइल रैंक दैट इज कॉल्ड परसेंटाइल फॉर एग्जाम्पल आपका स्कोर सेवेंटी फाइव है और सेवेंटी फाइव के स्कोर का परसेंटाइल बनता है सिक्सटी थर्ड परसेंटाइल तो इसका मतलब है कि सेवेंटी फाइव जो है जो स्कोर है दैट इज सिक्सटी थर्ड परसेंटाइल इन योर डेटा मे बी आई हैव एक्सप्लेन इट इन दिस नेक्स्ट स्लाइड विच विल मेक मोर क्लियर कि सपोज यू हैव स्कोर ऑफ सिक्सटी थ्री एंड एग्जैक्टली सेवेंटी परसेंट ऑफ द क्लास हैड स्कोर ऑफ सिक्सटी थ्री और लोअर देन योर स्कोर तो इसका मतलब कि आपका जो परसेंटाइल रैंक है विद थ्री दैट इज सेवेंटिएटाइल जबकि जो स्कोर सिक्सटी थ्री है दैट विल बी कॉल्ड सेवेंटियथ परसेंटाइल और इसमें फिर ये इंटरप्रटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है परसेंटाइल्स की हम परसेंटेज की तरह इसकी इंटरप्रटेशन uh, नहीं करते बल्कि इसका मतलब है कि आपसे कितने परसेंट percent, क्योंकि परसेंटाइल बेसिकली रैंक है रैंक का मतलब है कि आपकी डेटा में एक स्टैंडिंग पोजिशन है कि आप कहाँ पर फॉल कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वन से हंड्रेड तक का अगर टेस्ट था और उसमें पॉसिबल नंबर एक से लेकर सौ तक हैं आपके नंबर आए हैं सिक्सटी थ्री तो आपकी स्टैंडिंग कहाँ पे बनती है तो वो जब हम कैलकुलेट किया तो आपका सेवनटियथ परसेंटाइल निकला सो सेवनटियत परसेंटाइल एक्चुअली इज़ अ पोजिशन और अ रैंक जिसका मतलब है कि सेवेंटी परसेंट क्लास आपसे नीचे स्कोर कर रही है और बाकी थर्टी परसेंट क्लास आपसे ऊपर स्कोर कर रही है हम पर्सेंटाइल रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं वी कैन कैलकुलेट थ्रू एस पी एस एस विच इज़ वेरी ईजी विद जस्ट वन क्लिक लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से चीज़ें कैसे आ रही हैं सो वी कैन जस्ट गो थ्रू कि हमने इसमें कैसे निकाले हैं परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट करने के लिए यू नीड अ कॉलम ऑफ क्लास लिमिट्स क्लास लिमिट्स हमने ऑलरेडी बनानी सीखी हैं कि कैसे बनाते हैं तो ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास स्कोर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी है लेट्स कैलकुलेट ये यहाँ पे हमने एक क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ऐड किया है जो आप देख सकते हैं क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम क्या होता है क्यूमिटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम का मतलब होता है कि आप उसमें फ्रीक्वेंसी एट एंड बिलो आ सर्टन जो फ्रीक्वेंसी उसको आप जमा करते हैं कैसे अभी ये मेरा डेटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो मैं नीचे से स्टार्ट करूँ अगर मेरी फ्रीक्वेंसी टू है तो एट एंड अबव फ्रीक्वेंसी में जमा करती जाऊंगी सो टू प्लस टेन इज़ ट्व ये मैंने प्लस कर दिए फिर उसके बाद मैंने ट्वेल्व में थ्री प्लस किए विच इज़ फिफ्टीन फिर फिफ्टीन में मैंने थ्री प्लस किए विच इज़ एटीन एंड देन टू प्लस किए विच इज़ ट्वेंटी सो क्यूमुलेटिव का मतलब है कि यू विल एड अ फ्रीक्वेंसी एट एंड अब और अगर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में या अदर है तो आप बिलो वाली जमा करते जाएंगे तो आप उसको ऐड करते जाते हैं आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम आ जाता है अब फर्श करें इस डेटा के अंदर मैं देखना चाह रही हूँ कि जिसका स्कोर फिफ्टीन आया है या फोर्टीन है उसका परसेंटाइल रैंक क्या बन रहा है तो उसका हम एक क्यूमुलेटिव परसेंटेज जब हम कॉलम ऐड कर लेते हैं तो हम उसमें आइडिया कर लेते हैं कि उसका परसेंटाइल रैंक क्या बन रहा है फॉर एग्जाम्पल पीपल हुआ स्कोरिंग टेन टू फोर्टीन मार्क्स उनका परसेंटाइल रैंक समवेयर इस तरह से सेवेंटी फिफ्थ परसेंट उनका आएगा लेकिन अगर फर्श करें हमने आपका निकालना है कि इस डेटा में फिफ्टीथ परसेंट क्या है मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि परसेंट का मतलब है कि यू हैव टू रिफर टू द स्कोर यानी कौन सा स्कोर है जो फिफ्टी परसेंट को रिप्रेजेंट करता है सो इफ आई हैलकुलेट फिफ्टी परसेंट टाइल आई हैव टू गो थ्रू अ फॉर्मूला फॉर्मूला कैसे करेंगे कि सबसे पहले मैंने अपने डेटा के अंदर परसेंटाइल निकालना है यानी फिफ्टी डिवाइडेड बाय हंड्रेड और अपने डेटा का मतलब है कि मेरा एन साइज कितना है यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है जो कि आप क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम कैटेगरी में भी देख सकते हैं जो कि ट्वेंटी है अब फिफ्टी को हम करेंगे तो आपका टेन आ जाता है so तो टेन आपका रफली 50th परसेंटाइल यानी ये पोजीशन है पोजीशन का मतलब है कि टेंथ पोजीशन के ऊपर जो भी नंबर पड़ा हुआ है वो आपका परसेंटाइल है अब इसमें एक तरीका ये हो सकता है कि हम डेटा को अरेंज कर लें या ऑर्गेनाइज़ कर लें फर्स्ट करें इसी डेटा को मैंने खोल दिया है ये अनग्रुप्ड कर दिया है ये ज़ीरो टू फोर के दरम्या ये सारा हमारा रॉ डेटा है जो कि ट्वेंटी डेटा पॉइंट्स हैं और मैंने उसको ऐसे कर दिया और इसी डेटा से मैंने ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है आई कैन ऑर्गेनाइज दिस डेटा और मैं देख सकती हूँ कि जो भी टेंथ पोजीशन पे मेरा नंबर पड़ा हुआ है वो मेरा फिफ्टियथ परसेंटाइल है सो इट इज़ ऑर्गेनाइज डेटा सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो आपका रफली ये चूंकि ऑर्गेनाइज शायद नहीं है क्योंकि एट नाइन दोबारा आ गए हैं तो हम इसको ऑर्गेनाइज करके एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका फिफ्टियथ परसेंटाइल क्या है लेकिन अगर हमारा ग्रुप डेटा है तो हम उसको थ्रू फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटाइल्स कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला ये है जो मैंने हाईलाइट कर दिया है सो so, हम सबसे पहले परसेंटाइल निकालेंगे अपने डेटा के अंदर जो हमने कैलकुलेट करना है फॉर एग्जाम्पल इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हमने फिफ्टियत परसेंटाइल कैलकुलेट करना है तो हमने पिछली स्लाइड में ऑलरेडी किया हुआ है कि हमने 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू अपने ट्वेंटी के डेटा में से निकाला है तो वो टेन निकला है अब जिस भी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में टेन आ रहा है वो हमारी मॉडल क्लास है अब इसमें नहीं आ रहा बल्कि टेन इस इस कैटेगरी में आ रहा है तो दिस इज आवर मॉडल क्लास अब इस मॉडल क्लास में आपने सबसे पहले एल आइडेंटिफाई करना है एल का मतलब है कि लोअर लिमिट ऑफ योर मॉडल क्लास लोअर लिमिट ऑफ योर मॉडल क्लास का मतलब है कि हमारी ये फाइव और नाइन है तो हम इसको फोर पॉइंट फाइव लिख लेंगे विच हैव रिटन हीयर उसके बाद आई का मतलब है क्लास इंटरवल आपने कितना विर्थ का हर इंटरवल बनाया है तो जीरो टू फोर फाइव टू नाइन का मतलब है कि हमारा क्लास इंटरवल फाइव का है सो आई विल डू फोर पॉइंट फाइव प्लस फाइव फ्रीक्वेंसी आपने देनी है एफ मॉडल क्लास की हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है टेन ठीक है वो आपने टेन दे दी अब आपने ये पी डिवाइडेड बाई हंड्रेड इन टू एन ऑलरेडी निकाल लिया हुआ जो हमने टेन निकाला था यानी फिफ्टियथ परसेंट आई यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है तो वो हमने टेन निकाला था और उसके बाद क्यूमुलेटि फ्रीकवेंसी बिलो का मतलब है कि इफ़ द डेटा इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो हम उससे नीचे वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ले लेंगे सो सी एफ बी हमारी ये बन जाती है विच इज़ टू तो हम उसको माइनस टू करेंगे और हम उसका कैलकुलेट कर लेंगे सो so, ये हमने किया है माइनस टू और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एट पॉइंट फाइव जो ऑलरेडी निकाला हुआ है और उसको अगर हम राउंड कर दें चूंकि हमारा डेटा डिस्क्रीट है होल नंबर्स में दिया है तो हम इसको नाइन कर देंगे ये हमारा आ गया फिफ्टियथ परसेंटाइल इसका मतलब है कि आपके डेटा में फिफ्टियथ परसेंटाइल क्या है इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट परसेंटाइल तो इट मीन्स आई एम रेफरिंग टू आर स्कोर विच इज़ नाइन सो जिस बंदी के भी नौ नंबर आए हैं इस टेस्ट के ऊपर उसका परसेंटाइल फिफ्टियत बनता है जिसका मतलब है कि 50 परसेंट क्लास उससे नीचे मार्क्स ले रही है और 50 परसेंट क्लास उससे ऊपर नंबर ले रही है जैसा मैंने पहले बताया कि जब हम परसेंटाइल्स निकालते हैं तो वो रैंक्स है बेसिकली पोजिशन हैं तो अगर आप इस डेटा को ऑर्गेनाइज कर लें अरेंज करके लिख लें और उसके बाद जो आपकी टेंथ पोजिशन आएगी वो नाइन नंबर ही होगा मसला मैं लेट्स डू इट इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करके आपको करके दिखाती हूँ सो यू कैन फाइंड आउट कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंडसेंटाइल रैंक सो फिफ्टियथ इज अ परसेंटाइल रैंक जबकि जो हमने स्कोर निकाला है नाइन का दैट इजेंटाइल सो इसको मैं अरेन्ज करती हूँ टू फोर फाइव फाइव कितनी दफा है दो दफा है फाइव सिक्स सेवन एट एट नाइन नाइन टेन इलेवन 12, 14, 15, 17, 19, 20 एंड 22. So अब आपने 10th position निकाली है क्योंकि आपने जब ये 50th percentile की position निकाली है वो 10 बना था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये मेरा परसेंटाइल सो percentile यानी so, 50th रैंक के ऊपर जो भी वैल्यू है दैट इज़

के जिनका नाइन है उसका क्या परसेंटाइल बन रहा है या फिर वाइस वर्सा वी कैन कैलकुलेट परसेंटाइल रैंक्स एंड वी कैन कैलकुलेट परसेंटाइल्स आल्सो हम परसेंटाइल्स एक ग्राफ से भी निकाल जैसे हमने बात की कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या उसको हम टेबल में भी प्रजेंट कर सकते हैं उसको हम ग्राफ में भी कर सकते हैं इसी तरह हम क्यूमलेटिव फ्रिकवेंसी कर्व से पर्सेंटाइल्स को रीड कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व को जायफ भी कहते हैं जिसका मतलब है कि आप उसमें क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी के ऊपर कर्व करेंगे बजाय फ्रिक्वेंसी के फॉर एग्जाम्पल हमारी पिछली स्लाइड में अगर आप क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम देखें तो वो इस तरह से है क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी चूंकि वो एडअप होती जाती है इसीलिए उसका कभी भी नीचे बेंड नहीं आता कर्व आपका कभी भी नीचे नहीं आता बल्कि वो हमेशा एस शेप ऊपर ही ऊपर जाता है क्योंकि आप उसमें फ्रिक्वेंसी ऐड करते जाते हैं सो so, इसमें हमने एक्स एक्सिस पे सी एफ वाला कॉलम लेना है क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी का और वाई एक्सिस पे हम परसेंटज ले लेते हैं इसको हम जब बना लेते हैं कंस्ट्रक्ट करके इसको हम क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं नाउ यू कैन सी कि आपके लिए अगर आपने देखना है कि जिस बंदी का स्कोर ट्वेल्व आ रहा है उसका परसेंटाइल रैंक कितना बनता है अब अगर मैंने ट्वेल्व के अगेंस्ट देखना है तो मैं कहूँगी कि वो परसेंटाइल रैंक मैंने देखना है तो आई विल गो अप एंड आई विल सी कि जहाँ पे भी मैं जाके लाइन को हिट करूँगी उसके अगेंस्ट जाके मैं रीड कर लूँगी कि उस बंदी का थर्टियत परसेंटाइल बनता है थर्टियथ परसेंटाइल का मतलब है कि जो भी बंदी स्कोर के टेस्ट के ऊपर ट्वेल्व का स्कोर ले रही है थर्टी परसेंट क्लास उससे नीचे स्कोर कर रही है और बाकी सेवेंटी परसेंट क्लास उससे ऊपर स्कोर कर रही है दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेंटाइल रैंक लेकिन अगर आपने देखना है कि आपके सिक्सटियथ परसेंटाइल के ऊपर या फिफ्टियन परसेंटाइल के ऊपर स्कोर क्या है सो नाउ आई एम टेलिंग व्हाट इज फिफ्टियथ परसेंटाइल आई विल गो एंड आई विल अभी मैं इसको एग्जैक्ट नहीं लगा रही क्यों क्योंकि मेरे पास रूलर नहीं है बट आई विल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी वहां पे जहां पे वो मेरी ओजाइव यानी क्यूमुलेटिव कर्व की लाइन को कट करेगा और इसकी करिस्पोंडिंग मैं स्कोर देखूंगी एक्स एक्सिस के ऊपर विच इज़ ऑलमोस्ट थर्टीन पॉइंट फाइव समथिंग आएगा क्योंकि ये थर्टीन है और ये थर्टीन पॉइंट फाइव सो इफ आई वॉन्ट वॉट इज फिफ्टियथ परसेंटाइल आई कैन ड्रॉ अ लाइन वेयर माई लाइन विल हिट ओजाइव कर्व लाइन आई विल सी द करस्पॉन्डिंग स्कोर अंडर नीथ एंड आई कैन से फिफ्टियथ परसेंट टाइल इस डेटा के अंदर थर्टीन पॉइंट फाइव है और वाइस वर्षा अगर मैं चाहती हूँ कि जिस बंदी ने हाइस्ट मार्क्स लिए हैं फोर्टीन उसका परसेंटाइल क्या बन रहा है तो आई विल गो एंड आई विल वाइस वर्सा उसके परसेंटेज के कॉलम में देखूंगी अ परसन हु इज गेटिंग स्कोर ऑफ फोर्टीन उसका परसेंटाइल रैंक जो है वो सिक्सटियथ बनेगा इसके अलावा डेटा को चूंकि हम ऑर्गेनाइज़ करने की बात करने हैं और प्रेजेंट करने की बात करने हैं कि रॉ डेटा जब हम बहुत सारा कलेक्ट करते हैं हाउ वी कैन प्रेजेंट एक मैथड स्टेम एंड लीव का भी है डेटा को ऑर्गेनाइज और टेबलेट करने का स्टेम एंड लीव का मतलब है कि आप उसमें स्टेम को अलग कर देते हैं लीफ को अलग कर देते हैं यानी फर्स्ट करना ये एटी थ्री अगर है तो ये मेरे टेंस हैं और ये मेरा थ्री है एटी थ्री अब जितने भी एटीज़ में मेरे स्कोर्स हैं वो सारे मैंने इस डेटा के अंदर लिख दिए इसमें ऐटी थ्री होगा एटी फाइव होगा एटी टू होगा और एटी वन होगा सिमिलरली बाकी स्कोर्स में भी मैं दे सकती हूँ नाइन्टी थ्री होगा नाइन्टी सेवन होगा सो वी ऑर्गेनाइज द डेटा इसमें ये होता है कि इट्स अल्टरनेटिव टू अ ग्रुप फ्रिकवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट नॉट ओनली टेल यू द फ्रिकुवेंसी बट ऑल्सो टेल्स यू द स्पेसिफिक वैल्यूज़ क्योंकि आम फ्रिकुवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर एग्जाम्पल अगर सेवेंटी टू सेवेंटी फ़ाइव का इंटरवल है तो उसके अगेंस्ट मुझे फ्रिक्वेंसी दी हुई है फोर की लेकिन इस डेटा के अंदर वो एग्जैक्टली exactly बताएगा कि सेवनटीज़ में कितने लोगों के मार्क्स आए हैं तो इसके पता चल जाएगा कि सेवेंटी वन भी आया हुआ है सेवनटी सिक्स भी है सेवनटी फोर भी है 73 थ्री भी, भी है 74 एट भी है सेवनटी फोर एंड सेवेंटी सिक्स सो दिस इज़ हाउ वी ऑर्गनाइज द डेटा दिस इज़ ऑल्सो गुड खासतौर पर जब आपको इंडिविजुअल स्कोर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वी विल रन ऑल दिस इन एस पी एस एस इन दिन नेक्स्ट लेक्चर क्यों क्योंकि थिंग्स आर वेरी ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड थिंग आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड लेकिन आपको मैनुअली करके देने का मकसद ये है कि आप उसको एक्चुअली समझ सकें कि कैसे क्लास बाउंड्रीज़ बनती हैं कैसे क्लास लिमिट्स बनती हैं कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसी डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसी डेटा में से हम बहुत डिस्क्रिप्टिव और पर्सन रीड कर सकते हैं